नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मौर्योत्तर कालीन भारत का इतिहास हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भारत में विदेशी आक्रमणकारी, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में हिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, जो पश्चिमोत्तर वाला जो भाग है, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शक। शक जो कि जिनको सिथियन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि उनको सिथियन कहा जाता था, लेकिन हमारे भारत में सिथियनों को शक के नाम से जाना जाता है। तो इनके विषय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये लोग भारत में आए, भारत में प्रवेश करके भारत में किस प्रकार से इन्होंने शासन किया और इनके विषय में बाकी सब चीज। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। शक, भारतीय ग्रंथों में शक शब्द से सब सॉरी ये जो सिथियन है, इनके लिए भारतीय ग्रंथों में शक शब्द का प्रयोग करा गया है। मतलब कि क्या होता था प्राचीन समय में, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, बिंदुसार हो गए, उनके लिए भी यूनानी शासकों ने, जो यूनान के जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे कि सिकंदर, हमारे भारत में जिसको सिकंदर कहा जाता है, वास्तव में उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। तो ठीक इसी प्रकार से जो सिथियन है, इनको हमारे भारत में शक कहा गया है। मतलब कि भारत के जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें सिथियनों को शक कहा गया है। तो इनके विषय में देखते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हिंद यवन शासक थे, उनका किस प्रकार से अंत हुआ। मैंने बताया था कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के राजा ने अपने यहाँ महान दीवार, जो चीन में है ना, विशाल दीवार, उसकी स्थापना करवाई थी, उसकी निर्माण करवाई थी। देखिए, चीन का राजा था उस समय सी हुआंग ती। ये जो मैंने लिखा है ना, सी हुआंग ती, ये चीन का राजा हुआ करता था उस समय। और जो चीन में जो है इसका साम्राज्य फैला हुआ था, तो वहां जो है कुछ खानाबदोश जातियां थी जो कि इसके साम्राज्य में, सी हुआंग ती के साम्राज्य में लूटपाट करा करती थी, जनता को परेशान करती थी। ये खानाबदोश जातियां थी सिथियन, हुंगनू, यूची, इसके अलावा और दूसरी भी जातियां रही होंगी जो कि खानाबदोश थी, मतलब कि यहाँ वहां भटकती रहती थी, किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करती थी। कैसा वो अपना जीवन यापन करती थी? यहाँ वहां भटकते हुए, मतलब कि जहां उसको खाना मिला वहां अपना मतलब जुगाड़ कर लिया, खत्म हो गया, आगे बढ़ो, मतलब कि लूटपाट करना, लोगों को मारना और इसी प्रकार से अपना जीवन यापन चलाना इनका काम था, इन जनजा सॉरी इन जातियों का। तो कौन कौन से थे ये? एक तो हुंगनू, यूची और ये सिथियन, इसके अलावा और भी दूसरे रहे होंगे। तो इन इनसे जो है बड़े परेशान थे सी हुआंग ती। तो इन्होंने क्या किया, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में विशाल दीवार का निर्माण करवाया गया। जो विशाल दीवार है ना चीन में, महान दीवार जिसको कहा जाता है, तो उसका निर्माण हुआ कब? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस कारण से क्या हुआ, ये जो खानाबदोश जातियां थी ये चीन से खदेड़ दी गई, चीन के बाहर खदेड़ दिया गया। तो ये लोग किस तरफ भागे? पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हुंगनू खानाबदोश जाति थी, हुंगनू जाति थी, इसने जो है यूची, जो कि आगे चल करके ये लोग भी भारत आते हैं, हुंगनू यूची, हुंगनू जो है हुण के नाम से जाना गया है हमारे भारत में, हुण जिसको आगे हम पढ़ेंगे, हुण जाति के विषय में, हुण आक्रमणकारियों के विषय में। और ये जो यूची है ये कुषाण, आगे हम पढ़ेंगे कुषाणों के विषय में भी। तो हुंगनू जो है यूची को भगा देता है और यूची फिर अपना आश्रय खोजते हुए, भटकते हुए दक्षिण पश्चिम में पहुंचता है। वहां पर उसका सामना होता है सिथियनों से और सिथियनों को जो है वहां से भगा देता है। अब सिथियन बेघर हो जाते हैं, ये लोग जो है आश्रय खोजते खोजते पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, बैक्टीरिया पहुंचते हैं। मैंने बताया था बैक्टीरिया में हिंद यवन शासक शासन कर रहे थे उस समय, पिछले वीडियो में हमने देखा था। और कुछ जो सिथियन है मतलब शक, वो आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं पार्थिया, मतलब कि ईरान में। पार्थिया के विषय में भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो पार्थिया और बैक्टीरिया दोनों जो हैं ईरान के अधीन थे और आगे चल करके दोनों जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। तो ये जो शक लोग हैं बैक्टीरिया में धावा बोल देते हैं, पार्थिया में धावा बोल देते हैं। बैक्टीरिया में जो यवन शासक थे उनको परास्त कर देते हैं शक लोग और बैक्टीरिया पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन पार्थिया में वो लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं। पार्थिया के जो ईरानी शासक होते हैं उन शकों को वहां से खदेड़ देते हैं।
अब इनका जो है बैक्टीरिया में अधिकार हो जाता है शकों का, तो बैक्टीरिया से हिंद यवनों को भगा दिया जाता है। मैंने बताया था कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यवनों का शासन है, हिंद यवन शासकों का। फिर इसके बाद शक लोगों को लगता है कि आगे बढ़ने से अच्छा है हमको भारत की ओर प्रवेश करना ठीक है, तो ये लोग जो है भारत के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। भारत में कौन है, पश्चिमोत्तर भारत में विशेष रूप से हिंद यवन शासक, उनको परास्त करते हैं और वहां पर अधिकार कर लेते हैं पहले पश्चिमोत्तर भारत में। फिर इनके पीछे पीछे मतलब शकों के पीछे पीछे जो हैं पार्थिया के जो ईरानी लोग हैं वो लोग भी भारत में आक्रमण करते हैं, और फिर वहां से जो है उनके पीछे पीछे फिर आगे यूची कुषाण ये लोग भी आते जाते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो है उस समय जिस टाइम ये सब हो रहा था, मतलब कि मौर्य काल के पतन के बाद जिस टाइम पे शुंग कणों सातवाहन शासन कर रहे थे, उस समय जो है एक के बाद एक विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे। सबसे पहले यवन आए, यवनों के बाद जो है शक आते हैं, उनके बैक्टीरिया पर अधिकार करते हैं, फिर पश्चिमोत्तर भारत में जो भी यवनों का क्षेत्र होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं, और जस्ट उसके पीछे पीछे शकों के पीछे पीछे ही पार्थिया लोग भी आते हैं जिनको पहलव के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पहलवों के विषय में, भारत में पहलव कहा जाता है और दुनिया में उनको पार्थियन कहा जाता है, तो वो लोग भी जो है शक लोगों के पीछे पीछे ही आ जाते हैं। कई कई स्थान पर जो है दोनों के जो साक्ष्य हैं, जो पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, इतने घुल मिल गए हैं कि यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि यहां पर शकों का शासन था कि पार्थियनों का शासन था। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्थियनों के विषय में, तो अभी हम केवल शकों के बारे में बात करेंगे। तो शक आते हैं, यवनों का जो भी क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लेते हैं, पीछे पीछे पार्थियन आते हैं। अब पार्थियन के पीछे पीछे कौन आता है, यूची मतलब कुषाण, वो भी आता है पीछे पीछे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो शक लोग हैं पहले अपना पश्चिमोत्तर भारत में अधिकार कर लेते हैं, जो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उस क्षेत्र में अधिकार करते हैं। उसके बाद फिर वो जो हैं उनके पीछे पीछे जो दूसरे आक्रमणकारी आते हैं, तो ये जो शक लोग हैं भारत के अंदर घुसते चले जाते हैं, इधर मथुरा तक पहुंच जाते हैं, इधर दक्षिण में पूरा काठियावाड़, गुजरात, मालवा, नीचे महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं शक लोग। जब हम सातवाहन कालीन भारत पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में सातवाहन शासकों और शकों के बीच में संघर्ष हुआ था, तो ये जो शक लोग हैं ना पूरा महाराष्ट्र तक घुस आते हैं। तो ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा हम और शकों के विषय में जान लेते हैं। तो ये जो शक थे जिनको सिथियन कहा गया है, इनको जो चीनी ग्रंथ है, प्राचीन चीनी ग्रंथ है, उनमें सई कहा गया है, सई या फिर सई वांग, सई और सई वांग, सई और सई वांग, ये जो चीनी ग्रंथ है ना, प्राचीन चीनी ग्रंथ है, उसमें सिथियनों के लिए सई और सई वांग शब्द लिखा गया है, याद रखेंगे इस चीज को भी। उसके बाद अगला चीज याद रखिएगा, नक्श ए रुस्तम, ये जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, नक्श ए रुस्तम इसको नाम से जाना जाता है इस अभिलेख को, जो कि दारा नामक शासक का है। दारा जो कि पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाला एक शासक था, उसका ये अभिलेख है नक्श ए रुस्तम। इसमें भी जो है शक, जो शक आक्रमणकारी थे उनके विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए हमारे जो भारत के प्राचीन ग्रंथ थे जो कि इस टाइम पर लिखे गए थे, वो जैसे रामायण, महाभारत, महाभाष्य और कुछ जैन ग्रंथ, उनमें जो है शकों के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ दूसरे ग्रंथों से भी शकों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा शकों के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उस समय, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, आगे हम देखेंगे रुद्रदामन के विषय में, तो उससे भी जो है शकों के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। शकों के बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए थे, मैंने बताया था कि जो हिंद यवन शासक जो कि शकों से पहले भारत में शासन कर रहे थे, उन्होंने जो है बढ़िया मतलब व्यवस्थित ढंग से सिक्का चलाना शुरू किया था। तो जब शक आए यवनों के बाद, तो उन्होंने भी जो है व्यवस्थित ढंग से सिक्के चलाए, तो इनके भी जो है बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनसे इनके विषय में जानकारी मिलती है। तो हमारे जो भारतीय ग्रंथ है, जो मैंने बताया रामायण, महाभारत, महाभाष्य, कुछ जैन ग्रंथ, उनमें जो है इनके विषय में जानकारी मिलती है। और जो शकों का जो क्षेत्र था, मतलब कि जितने क्षेत्र पर शकों का अधिकार था, जहां पर शक शासन करते थे, उस क्षेत्र को भारतीय ग्रंथों में शक द्वीप कहा गया है। मैंने यहां लिखा है शक द्वीप। तो जो शकों का जो क्षेत्र था, जो राज्य था, उसको भारतीय ग्रंथों में शक द्वीप कहा गया है। इसके अलावा शक स्थान भी कहा गया है, जैसे कि अभी है ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तो वैसे ही शक जहां शासन करते थे उसको क्या कहा जाता था, शक द्वीप और शक स्थान भारतीयों द्वारा। उसके बाद देखिए
जो शक थे इन्होंने छत्रप प्रणाली को अपना रखा था। ये जो छत्रप प्रणाली है ये प्राचीन समय में जो ईरान के शासक थे वो लोग अपनाए हुए थे, उनका था ये छत्रप प्रणाली। जो ईरान के लोग थे वो छत्रप वन ये उनकी जो है एक उपाधि हुआ करती थी। जब सिकंदर के पहले, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उससे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में आक्रमण करने वाली प्रथम विदेशी जाति ईरानी, ईरान के लोग थे, ईरानियों ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। अगर कभी पूछा जाता है कि कौन सी विदेशी जाति है जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो वो थी ईरानी। तो ईरानी जब यहां आक्रमण करते हैं तो छत्रप प्रणाली लेकर के आते हैं। और ये जो शक हैं ये पार्थिया में भी गए हुए थे, मैंने बताया था बैक्टीरिया में धावा बोला और साथ ही साथ में पार्थिया, पार्थिया जो कि ईरान में था, तो वहां भी जाते हैं तो वहीं से ये लोग सीख करके आते होंगे छत्रप प्रणाली को। अच्छा, ये जो शक लोग है ना इनकी एक बड़ी अच्छी विशेषता ये थी कि ये लोग जहां भी जाते थे वहाँ की संस्कृति को अपना लेते थे। जैसे कि ये लोग पार्थिया गए, मतलब कि ईरान गए, तो वहाँ की जो संस्कृति थी उसको अपने में समेट लिए। उसके बाद पश्चिमोत्तर भारत में आते हैं, वहाँ जो संस्कृति थी उसको अपने में समेट लेते हैं। उसके बाद ये लोग पूरे भारत के अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया काठियावाड़, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये लोग जो हैं आगे चल करके भारत में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने सातवाहनकालीन भारत जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि शकों का भारतीयकरण हुआ, तो जो शक थे आगे चल करके भारत के ही होकर के रह गए। शक जो कि एक घुमक्कड़ी जाती थी, खाना बदोश जाती थी, यहां वहां घुमा करती थी, यहां वहां फिरती रहती थी अपना जीवन यापन के लिए, लेकिन भारत में आती है तो यहीं पर बस के रह जाते हैं शक लोग। तो इनमें यह बड़ी अच्छी विशेषता थी कि ये लोग जहां भी जाते थे वहां की संस्कृति को अपने में समेट लेते थे, मतलब कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको ले लेते थे। जैसे कि पार्थिया गए तो वहां से वो लोगों ने छत्रप प्रणाली सीख लिया, उसके बाद फिर ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा इनका शुरुआती चीजें। अच्छा, ये जो शक थे ना ये कबीलों में बटे हुए थे, मतलब कि जब ये लोग जो चीन मध्य एशिया में जब फैले हुए थे तो कबीले में रहा करते थे। जैसे हमने वैदिक कालीन भारत पढ़ा था तो शुरुआत के समय में जो वैदिक आर्य थे वो कबीलों में रहा करते थे, जिनको जन कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार से ये जो शक लोग थे ये कबीलों में रहा करते थे और इधर उधर जो है अपना इस किसी के ऊपर, मतलब कि यहाँ वहाँ घूम घूम करके अपना जीवन यापन चलाते थे। तो भारत में भी जो है इनका प्रवेश जो है उसी तरह से होता है, मतलब अलग अलग कबीलों के रूप में ये लोग भारत में आते हैं। मतलब कि भारत में जो है इनकी पांच शाखाओं द्वारा शासन किया गया था, पांच शाखाओं के द्वारा भारत में शासन किया गया, जिनमें से हम चार के बारे में पढ़ेंगे। ये पांच शाखाएं कौन कौन सी थी? एक शाखा तो अफगानिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में शासन करती है, दूसरी शाखा जो उत्तर पश्चिम भारत के शक कहा जाता है, उत्तर पश्चिम भारत के शक, इसने जो है पंजाब सिंध के आसपास के क्षेत्र जो अफगानिस्तान तक्षशिला उस तरफ इन्होंने शासन किया, उत्तर पश्चिम भारत के शक, और ये जो है भारत में शासन करने वाले पहले शक थे। उसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं छत्रप पदधारी शक, छत्रप पदधारी शक, ये जो शक हैं छत्रप पदधारी शक ये उत्तर पश्चिम भारत के जो शक थे उनके छत्रप हुआ करते थे आगे चल करके, जो स्वतंत्र शासक बन गए। उसके बाद चौथे नंबर में आते हैं महाराष्ट्र के छहरात शकवंशी, महाराष्ट्र के छहरात शकवंशी, ये फिर आगे आते हैं ये लोग, मतलब जैसे जैसे अंदर घुसते जाते हैं ना वैसे ये लोग बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आखिरी में है मालवा के कर्दमकवंशी शक, मालवा के कर्दमकवंशी शक जिसमें कि रुद्रदामन जैसा शासक हुआ था। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत के शक, जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला मैंने बताया कि जो शक अफगानिस्तान बलूचिस्तान में शासन करते थे उनके बारे में नहीं पढ़ना है, इन चारों के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत के शक। उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया में धावा बोलते हैं शक, पार्थिया में धावा बोलते हैं, बैक्टीरिया में तो अधिकार कर लेते हैं लेकिन पार्थिया से ईरानी लोग इनको भगा देते हैं। तो उसके बाद ये लोग जो है बैक्टीरिया में अधिकार करके फिर इधर भारत में अंदर की ओर घुसने लगते हैं, मतलब कि हिंदू कुश पर्वत को पार कर लेते होंगे और उसके बाद फिर इधर जो तक्षशिला है, सिंध है, पंजाब है, उन सब पर अधिकार कर लेते हैं। तो भारत में सबसे पहला शक राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है मोग, मोग या फिर इसको मोयेज भी लिखा जाता है, मोग या मोयेज, जिसने गांधार में शक राज्य की स्थापना की थी, मोग
या मोएज, नाम याद रखेंगे मोग या मोएज, ये जो है भारत में पहला शक राज्य स्थापना करने का श्रेय जाता है। कहाँ स्थापित किया? गांधार में। देखिए जो गांधार है ना, ये भी पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान की राजधानी है कंधार, वही पहले गांधार हुआ करता था। तो गांधार में शक राज्य की स्थापना करता है कौन? मोग, जिसको कि मोएज भी लिखा जाता है। और इसका जो काल था, वर्ष था, 80 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब कि जिस समय भारत में शुंग वंशीय शासकों का पतन हो रहा था, मतलब कि पतन हो चुका था, उसके बाद कर्ण आ गए थे, तो उस टाइम पर जो है ये लोग जो है मतलब कि शक राज्य की स्थापना करता है। अच्छा, ये पतन हो ही रहा था, मतलब जो शुंग शासक हैं उनका पतन हो रहा था, उस समय जो है मोग या मोएज वहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करता है। देखिए जो शुंग शासक थे ना, पुष्यमित्र शुंग, उसके समय तक उसने तो रोके रखा था यवनों को, लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है, उसके जो आगे के जो उत्तराधिकारी होते हैं, कुछ तो शक्तिशाली होते हैं लेकिन आगे के उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, तो जो हिंद यवन शासक हैं वो अंदर घुस ही जाते हैं, पश्चिम उत्तर भारत पर पूरा अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद फिर ये शक लोग आते हैं, तो शक जब आते हैं उस टाइम पे शुंग शासन का अंत हो रहा था। उस बाद कण्व वंश आता है जो कि उतना अधिक शक्तिशाली नहीं था, और फिर सातवाहन वंश जो कि दक्षिण में ही अधिक अपना क्या कहेंगे, दक्षिण में ही ज्यादा वो बिजी रहा सातवाहन वंश। तो इधर इन लोगों के लिए जो है काफी आसान हो गया, जिस कारण से लोग मथुरा तक पहुंच गए थे। तो मोग या मोएज भारत में प्रथम शक राज्य स्थापना करने का श्रेय जाता है। कहां पर स्थापित किया था? गांधार में, याद रखिएगा। ये जो मोग या मोएज है, ये बड़ा ही शक्तिशाली था, बड़ा ही पराक्रमी शासक सिद्ध हुआ। इसके जो है सिक्के बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसने किन किन क्षेत्रों को जीता था। तो इन क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, पुष्पकलावती, कपिसा, पंजाब, मथुरा तक इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि इन इन क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर रखा था। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो शक लोग थे उनकी जो विशेष विशेषता थी, एक बढ़िया विशेषता थी कि जहाँ भी जाते थे वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के जो भी रीति रिवाज हैं उनको अपने में समेट लेते थे। तो जब मोग या मोएज यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करता है, तो ये जो है महाराज की उपाधि धारण करता है। महाराज जो कि भारत के शासकों द्वारा लिया जाने वाला उपाधि था, तो ये विदेशी था, लेकिन यहाँ पर आता है, यहाँ की संस्कृति को देखता है, वो उसको अच्छा लगता होगा, तो वो जो है महाराज की उपाधि धारण करता है और अपनी राजधानी बनाता है तक्षशिला को। याद रखेंगे ये जो मोग या मोएज है, इसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, विदेशी था, लेकिन इसको ये लोग का जो विशेषता था, कहीं भी जाते थे वहाँ की संस्कृति को अपने में समेट लेते थे। तक्षशिला जो कि मोग की राजधानी थी, वहां से जो है एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है, और इस ताम्र पत्र में मोग के जो छत्रप थे, मतलब कि मोग ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था वहां पर उसने जो है छत्रपों की नियुक्ति की थी, मतलब कि गवर्नरों की नियुक्ति की थी, तो उनके विषय में जानकारी मिलती है तक्षशिला ताम्र पत्र से। जैसे कि इसने कपिसा, पंजाब, मथुरा, इन सब में जो है अपना गवर्नर नियुक्त कर रखा था। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग जो है छत्रप उपाधि धारण करते थे, तो जो राजा होता था वो धारण करता था महाछत्रप, और जो प्रांतों का प्रांतपति होता था वो छत्रप धारण करता था, मतलब कि राजा महाछत्रप कहलाता था और प्रांतों का शासक वो छत्रप कहलाता था। तो मोग के अधीन जो भी राज्य इसने जीते थे, मथुरा, पंजाब, पुष्पकलावती, कपिसा, तो उसमें इसने जो है छत्रपों की नियुक्ति कर रखी थी। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तक्षशिला ताम्रपत्र से। उसके बाद मोग के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है एजेज। एजेज ये भी जो है अपने पिता के समान शक्तिशाली होता है, उसके राज्य को संभाल करके रखता है। उसके बाद अगला शासक होता है एजिलीसेस। एजिलीसेस ये भी ठीक ठाक रहता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है एजेज द्वितीय, जो कि बिल्कुल अयोग्य होता है। तो उस सब इसके समय में क्या होता है, एजेज द्वितीय के समय में जो पार्थियन, मैंने बताया था जो पार्थिया के जो ईरानी लोग थे, वो लोग भी जो है देखा देखी में भारत में आक्रमण कर देते हैं कि हिंद यवन शासकों ने भारत में आक्रमण किया, उसके बाद शक लोग भी भारत में चले गए। तो जो पार्थिया के शासक हैं, मतलब कि जो पार्थिया के ईरानी लोग हैं जिनको भारत में पहलव कहा गया है, वो लोग भी जो है इसी समय आक्रमण कर देते हैं, और एजेज द्वितीय इसको जो है हटा करके गोंदोफर्नीज, ये जो है
ये जो मोग का जितना भी राज्य होता है उस पर अधिकार कर लेता है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से ये जो गोंदोफर्निज है आता है और एजेज द्वितीय को हटा करके उसके राज्य को जीत लेता है। इसके बाद क्या होता है कि इनके जो क्षत्रप होते हैं, मोग के जो मैंने क्षत्रप बताए, जो पंजाब, मथुरा, कपिसा और पुष्पकलावती वहाँ नियुक्त किए गए थे, वो लोग जो हैं स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और खुद को महाक्षत्रप घोषित कर देते हैं। और बाकी बचे हुए क्षेत्रों को गोंदोफर्निज अपने पहलव साम्राज्य में मिला लेता है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से वो आया था। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो शक और पार्थियन है, दोनों का जो है ना, जो पश्चिमोत्तर भारत में शासन करना, जो मतलब उनका जो शासन काल है वो एक समानांतर रूप से चलता रहा था। तो इस प्रकार से जो है उत्तर पश्चिम भारत के शकों का अंत हो जाता है। इसके बाद जो है, जो मैंने बताया इनके जो क्षत्रप थे पंजाब में जो थे, मथुरा में जो थे, कपिसा में जो थे, वो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और खुद को जो है महाक्षत्रप घोषित कर लेते हैं। और इनके जो बचे खुचे होते हैं शक लोग, वो लोग भारत में अंदर की ओर घुसना शुरू कर देते हैं। आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं हम क्षत्रप पदधारी शक, क्षत्रप पदधारी शक, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मोग, इसने जो है मथुरा तक के क्षेत्र को जीत लिया था, कपिसा, पंजाब, मथुरा, इन सब को जीत लिया था। तो जो कपिसा के क्षत्रप थे, पंजाब के क्षत्रप थे, मथुरा के क्षत्रप थे, जब मोग का साम्राज्य, मोग का राज्य पार्थियनों द्वारा जीत लिया जाता है, तो ये लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, महाक्षत्रप बन जाते होंगे और खुद जो है स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं। आगे चल करके ये जो कपिसा, पंजाब, इन पर जो है पार्थियन और जो कुषाण शासक हैं वो लोग अधिकार कर लेते हैं। और ये जो मथुरा है, ये लगभग 2 सदियों तक यहां पर शकों का अधिकार रहता है। आगे चलकर के मथुरा पर भी कुषाणों का अधिकार हो जाता है। तो इन तीनों में जो है मथुरा ही लंबे समय तक बना रहता है। तो ये था दूसरा क्षत्रप पदधारी शक। अब अगला हम देखते हैं महाराष्ट्र के छहरात वंशी शक। महाराष्ट्र के छहरात वंशी शक, इन लोगों ने जो है नासिक से शासन करना शुरू किया था। नासिक, जिसको कि उस समय गोवर्धन कहा जाता था नासिक को, तो जो महाराष्ट्र के छहरात वंशी शक हैं, इन्होंने गोवर्धन अर्थात नासिक से शासन करना शुरू किया था। और यहाँ पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था? भूमक। देखिए, मैंने बताया कि जो पहले पश्चिमोत्तर भारत में जो मोग, मोएज, ये लोग शासन कर रहे थे, लेकिन पार्थियन लोग जो है उन पर अधिकार कर लेते हैं। पीछे से कुषाणवंशी शासक भी आ रहे होते हैं। तो जो शक लोग हैं ये भारत में अंदर तक घुसने लगते हैं, मतलब कि जो भी उनके दूसरे कबीले वाले होते हैं, जैसा मैंने बताया कि शक लोग कबीलों में बटे हुए थे और धीरे धीरे करके भारत में घुस रहे थे। तो कुछ जो है आगे अंदर तक घुस आते होंगे और यहाँ महाराष्ट्र में नासिक तक पहुँच जाते होंगे। और नासिक में जो है ये छहरात वंशी शक के नाम से ये लोग जो है शासन करना शुरू करते हैं। और जो पहला शासक होता है भूमक, याद रखिएगा इसका नाम भूमक। तो इसके विषय में जानकारी मिलती है इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के द्वारा, मतलब कि भूमक ने जो सिक्के जारी किए थे उससे पता चलता है कि ये शासन करने वाला पहला शासक था और इसके अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र थे। भूमक के जो सिक्के हैं गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपुताना तक प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन सब क्षेत्रों में इसका अधिकार था। उसके बाद आगे चल करके नहपान नामक एक शासक हुआ छहरात वंश में। इसका जो शासन काल है 119 से 124 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। देखिए इनका काल देखिए, जैसे कि मैंने मोग का काल बताया था 80 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 80 ईसा पूर्व, उस समय जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में शासन कर रहे थे। फिर धीरे धीरे करके जो है ये लोग शक लोग जो है भारत में घुस रहे थे। तो जब नहपान दक्षिण में, मतलब कि महाराष्ट्र में, जब नहपान शासन करना शुरू किया, तो समय क्या था, 119 ईस्वी सन आ गया है, मतलब कि वो लोग जो है धीरे धीरे करके अंदर घुसते आ रहे हैं। तो नहपान ये अगला शासक बनता है और नहपान जो है इसने भी जो है बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। नहपान ने राजा की उपाधि धारण की थी, जैसा कि मैंने बताया मोग, उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये जो नहपान था इसने राजा की उपाधि धारण की थी और इसने जो है बहुत सारे नए नए क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य में मिलाया। पहले से तो मालवा, गुजरात, काठियावाड़ इनके अधिकार में था ही था।
इसके अलावा इसने जो है कोकण, पूना, नासिक इसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य में मिलाया। इसका एक दामाद था ऋषभ दत्त, ये जो है नहपान का दामाद था। ये जो ऋषभ दत्त है ये गोवर्धन और मामल्ल का वायसराय था, मतलब कि गोवर्धन और मामल्ल का छत्रप इसको नियुक्त किया गया था ऋषभ दत्त को, वहां का एक प्रकार से गवर्नर था। कौन? ऋषभ दत्त, जो कि नहपान का दामाद था। ये जो गोवर्धन है, मैंने बताया नासिक को ही उस समय गोवर्धन कहा जाता था, और ये जो मामल है ये पूना को कहा जाता था। जैसा कि मैंने बताया छहरात वंशीय शासकों ने गुजरात, काठियावाड़ इन सब क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, और गुजरात में ही भड़ोच नामक स्थान है। भड़ोच जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह हुआ करता था, उसमें इनका अधिकार था। अब भड़ोच पर अधिकार है, मतलब पूरे जो है व्यापार तंत्र पर इनका अधिकार हो गया था। तो भड़ोच में जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहा होगा, दूसरे देशों से जो भी वहाँ पर माल आता रहा होगा, तो उन पर ये लोग कर वसूलते रहे होंगे, और इनसे ही होकर के जो है जो भी व्यापारिक सामान है वो आगे भारत के अंदर जाता था। ये जो नहपान था ये गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंशीय शासक था, उससे पराजित हुआ। मैंने बताया था जब मैं सातवाहन कालीन भारत पढ़ा रहा था, तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है उसने नहपान को पराजित किया था, बताया था मैंने। और इसका जो जानकारी है कहाँ से मिलती है, जो जौगल थम्बी नामक स्थान से एक मृदभांड प्राप्त हुआ है, जिसको जौगल थम्बी मृदभांड कहा जाता है, और उसमें जो है 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, नहपान द्वारा जारी किए गए 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और उन सिक्कों में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था उसने जो है उनको फिर से अपने नाम से छपवाया था, मतलब कि वहां पर जो है अपने नाम का ठप्पा लगवा दिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो याद रखिएगा नहपान जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। कहां से पता चलता है? जौगल थम्बी मृदभांड से। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान की हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला हम देखते हैं मालवा के कर्दमक वंशी शक, ये जो है उज्जैनी के आसपास के क्षेत्रों पर इनका जो है वर्चस्व रहा। आगे चलकर के इन्होंने भी जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। तो ये जो मालवा के कर्दमक वंशी शक, इसका जो संस्थापक है यशोमतिक को माना जाता है, लेकिन ये जो यशोमतिक था ना ये स्वतंत्र शासक नहीं था। यशोमतिक का उत्तराधिकारी हुआ चष्टन। ये जो चष्टन है यशोमतिक का पुत्र था, और ये जो चष्टन है कुषाण शासकों के अधीन सिंध प्रांत का छत्रप हुआ करता था। देखिए इस समय तक जो है भारत में कुषाण लोग प्रवेश कर गए थे, क्योंकि देखिए 119 से 124 ईस्वी तक नहपान ने शासन किया महाराष्ट्र क्षेत्र में, और इधर जो काठियावाड़ गुजरात में। और हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, कनिष्क जो कि कुषाण था, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में लगभग 100 ईस्वी के आसपास। तो इस समय तक जो है पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों का प्रवेश हो चुका था। हम लोगों ने शुरू कहां से किया था? देखिए 80 ईसा पूर्व मोग या मोयज, उसने जो है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कब? 80 ईसा पूर्व में, ईसवी से पहले, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है शक लोग भारत में घुस रहे हैं। तो जब नहपान शासन कर रहा था तो 119 से 124 ईस्वी के बीच इसने शासन किया, तो उस समय जो है भारत में कुषाण आ चुके थे। तो जो चष्टन था ये कुषाणों के अधीन सिंध प्रांत का छत्रप हुआ करता था। कुषाणों के डर से ही ये लोग जो है दक्षिण में आ गए थे, तो उसका जो है मतलब कुषाणों के अधीन सिंध का छत्रप हुआ करता था। जब नहपान की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि छहरात वंश का अंत हो जाता है, तो उसके बाद कुषाणों द्वारा चष्टन को दक्षिण पश्चिम का छत्रप नियुक्त करके भेजा जाता है। जब चष्टन इधर आता है, था तो वो शक ही ना, जो छहरात वंशीय लोग थे वो भी शक थे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं चल रहा था होगा कि इन पूरे क्षेत्रों में हम शकों का शासन था और ये कुषाण लोग जो है आ गए हैं और हमको नौकरी टाइप से, उसके मन में कुछ रहा होगा। तो जब चष्टन दक्षिण पश्चिम में आता है तो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और स्वतंत्र कर्दमक वंश की स्थापना करता है चष्टन। तो यशोमतिक को जो है इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? चष्टन, जो कि प्रारंभ में कुषाणों के अधीन सिंध प्रांत का छत्रप हुआ करता था। ये जो चष्टन था इसने महाछत्रप की उपाधि धारण की। देखिए अब जो कुषाणों के अधीन ये छत्रप था, लेकिन जब ये स्वतंत्र, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है तो महाछत्रप की उपाधि धारण करता है, और
शक संवत का प्रयोग करना शुरू कर देता है। देखिए जो शक संवत था ना, इसकी स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कनिष्क जो कि कुषाण वंशीय शासक था, उसने जो है शक संवत की स्थापना की थी। लेकिन आगे चल करके जो शक शासक थे, उन लोगों ने जो है इस संवत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जो चष्टन था, उसने शक संवत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ध्यान रखेंगे कि जो शक संवत है, इसकी शुरुआत किसने की थी? कनिष्क जो कि कुषाण था। लेकिन इसको शक संवत क्यों कहा जाता है? उसका कारण यही है कि एक लंबे समय तक शक शासकों ने शक संवत का प्रयोग किया था, इस कारण से ही इसको शक संवत कहा जाता है। चष्टन, इसका पौत्र था रुद्रदामन। रुद्रदामन जो कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो चष्टन का पौत्र था, चष्टन का पोता था रुद्रदामन, और रुद्रदामन और चष्टन ने मिलकर के जो है एक साथ शासन भी किया था। अब हम देखते हैं रुद्रदामन के विषय में। रुद्रदामन, इसने भी जो है महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। शक क्षत्रप रुद्रदामन के नाम से जानते हैं जो हम। तो रुद्रदामन, इसका शासनकाल है 130 से 150 ईस्वी तक। रुद्रदामन के शासनकाल में इनका जो राज्य है बहुत अधिक विस्तृत हुआ। मतलब कि रुद्रदामन जो है एक पराक्रमी शासक था, वीर योद्धा था। तो इसने जो है अपनी वीरता के दम पर नए नए राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। तो इसने जो है द्वारका, कच्छ, सौराष्ट्र, मालवा जैसे नए नए क्षेत्रों को जीता। इसके अलावा उत्तरी कोंकण के क्षेत्र को जीता। सिंधु नदी के मुहाने तक को इसने जो है अपने अधिकार में कर लिया था रुद्रदामन ने। और इसके अलावा जो मालवा के आसपास का क्षेत्र, जो उज्जैन के आसपास का क्षेत्र, वो सब तो इनके अधिकार में था ही था। रुद्रदामन के विषय में सर्वाधिक जानकारी हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है काठियावाड़ क्षेत्र में है। और ये जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कारण क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, संस्कृत में लिखा गया है, और संस्कृत में लिखा जाने वाला भारत से प्राप्त प्रथम अभिलेख है। और इसको लिखा किसने था, मतलब कि ये जो किसका लेख है? रुद्रदामन जो कि एक विदेशी का है। तो इस कारण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में जो संस्कृत भाषा है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, प्राचीनकालीन भाषा है। लेकिन भारतीय शासकों द्वारा संस्कृत में लेख जारी नहीं किया गया था। सबसे पहला संस्कृत का लेख जो है एक विदेशी शासक शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत में खुदवाया गया था। उसके बाद जो है बाकी जो भारतीय शासकों ने संस्कृत में लेख खुदवाना शुरू किया। तो संस्कृत का पहला लेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। किसका है? रुद्रदामन का, याद रखिएगा। और इस अभिलेख से जो है रुद्रदामन और शकों के विषय में बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन का साम्राज्य कहां कहां तक विस्तृत है। जैसे कि मैंने अभी बताया, गुजरात में जो कच्छ, सौराष्ट्र, सिंधु नदी का मुहाना, तो ये सब जानकारी कहां से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख में ही जो रुद्रदामन है उसको भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि से नवाजा गया है। मतलब कि रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख से ही एक महत्वपूर्ण चीज पता चलता है कि ये जो रुद्रदामन था, इसने सातवाहन वंशीय शासक वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। हमने पढ़ा था सातवाहन काल, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है रुद्रदामन से पराजित हो जाता है। और रुद्रदामन जो है आगे चल करके वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी से अपनी पुत्री का विवाह भी कर देता है। तो इसी कारण से, मतलब कि जो वैवाहिक संबंध होने के कारण ही रुद्रदामन जो है पुलुमावी को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है। देखिए, जब भारत में शकों का शासन था ना, मतलब कि जब ये छहरात वंशीय शासक, इधर ये कर्दमक वंशी शक, ये लोग जब शासन कर रहे थे, उधर समानांतर रूप से सातवाहन भी शासन करते थे। और दोनों के बीच जो है काफी संघर्ष चलता रहता था। कभी शक सातवाहनों पर भारी पड़ते थे, तो कभी सातवाहन शकों पर भारी पड़ते थे। जैसे कि मैंने बताया नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने परास्त किया था। वही मैंने अभी बताया कि रुद्रदामन ने वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया। तो दोनों जो है कभी शक ऊपर होते थे, मतलब कि शक सातवाहनों पर भारी पड़ते थे, तो कभी सातवाहन शकों पर भारी पड़ते थे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैंने बताया कि रुद्रदामन ने वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था, मैंने जब इसकी मैं तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज नोट किया कि अधिकांश पुस्तकों में ये दिया हुआ है कि रुद्रदामन ने सातवाहन शासक सातकर्णी को पराजित किया, ये दिया हुआ है।
ये जो है रुद्र जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसी टाइप से लिखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो रुद्रदामन है उसने सातकर्णी को पराजित किया। लेकिन ये सातकर्णी कौन था? वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, न कि सातकर्णी प्रथम या गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये लोग नहीं है, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ही है। अगर आप लोगों के पुस्तक में भी ऐसा दिया होगा तो वो वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ही है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों में जो है साथ में ये दिया हुआ है कि ये जो सातकर्णी है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो कि सातवाहन वंशीय शासक था, ऐसा दिया हुआ है। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे रुद्रदामन के विषय में कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर, एक प्रांतपति ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था, उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था इधर गुजरात क्षेत्र में। तो ये जो सुदर्शन झील है कब का था? मौर्य काल का था। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है रुद्रदामन, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के एक सामंत कह लो या एक गवर्नर कह लो, जिसका नाम पुष्यगुप्त था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन। मतलब कि उसमें जो है कुछ टूट फूट गया रहा होगा, तो उसका एक तरह से जो है उसने फिर से उसका जीर्णोद्धार करवाया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रुद्रदामन के समय में उज्जैन, जिसको कि उस समय उज्जैनी कहा जाता था, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक हुआ रुद्रसिंह तृतीय, याद रखेंगे रुद्रसिंह तृतीय, ये जो है अंतिम शासक हुआ रुद्रसिंह तृतीय। और इसकी हत्या जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त वंशीय शासक था, उसने जो है रुद्रसिंह तृतीय को परास्त किया लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में। देखिए, जो ये जो कर्दमक वंशीय शासक थे ना, ये लोग चौथी शताब्दी तक शासन करते हैं। जब भारत में गुप्त वंशों का शासन शुरू होता है ना, उस समय तक ये लोग बने रहते हैं। पहले तो शक और सातवाहनों के बीच में संघर्ष हुआ, जब गुप्त आ जाते हैं तो शक और सातवाहनों के बीच भी भयंकर संघर्ष होता है, दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। अंतिम रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो क्या करता है, रुद्रसिंह को परास्त कर देता है और शकों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से खदेड़ देता है। मतलब कि शक जो है पूरी तरह से उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, भारत में ही घुल मिल जाते हैं। तो रुद्रसिंह तृतीय ये जो है शक वंश का अंतिम शासक हुआ चौथी शताब्दी ईस्वी में, लगभग 380 के आसपास में ये हुआ था, मतलब कि शकों का अंत। तो याद रखेंगे इस चीज को, जब हम गुप्त वंश का इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम पे इस चीज को और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे। रुद्रदामन के बाद जिसका शासनकाल मैंने 130-150 ईस्वी तक बताया, इसके बाद जो है कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं होता है। लेकिन इनका शक और सातवाहनों के बीच संघर्ष चलता ही रहता है, और उसके बाद जो गुप्त आते हैं उनके साथ भी इनका संघर्ष चलता रहता है, और अंतिम शासक होता है रुद्रसिंह तृतीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परास्त कर देता है और शकों का अंत हो जाता है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को याद रखना है। एक चीज बताना छूट गया है, उसको बता देता हूँ, विक्रमादित्य। देखिए, ये जो विक्रमादित्य है उज्जैन का शासक हुआ करता था, इसके विषय में जो है कुछ और जानने को नहीं मिलता है। केवल इतना पता चलता है कि ये जो विक्रमादित्य है इसने लगभग 57-58 ईसा पूर्व के आसपास शकों को परास्त किया था। शकों को जो है ये बुरी तरह से परास्त कर देता है और इसके स्मृति में विक्रम संवत की स्थापना करता है 57-58 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। तो उज्जैन का राजा था राजा विक्रमादित्य, तो इसने जो है शकों को परास्त किया था और उस शकों को परास्त करने की खुशी में इसने जो है विक्रम संवत की स्थापना की थी विक्रमादित्य। और ये जो विक्रमादित्य शब्द है ना, आगे चल करके भारतीय राजाओं को इतना भा जाता है कि कोई भी राजा जो है कोई महान काम करता है तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। जैसे कि गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने मैंने बताया जो रुद्रसिंह तृतीय को परास्त करता है, तो वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो ये जो विक्रमादित्य था ना, ये उज्जैन का राजा था, इसके विषय में और कोई भी जानकारी नहीं मिलती, केवल इतना ही मिलता है। आगे चल करके बहुत से और राजाओं ने विक्रमादित्य
महावित्त उपाधि धारण की थी। लगभग 12वीं शताब्दी तक जो है ये उपाधि काफी चलन में रहा है। अच्छा, एक चीज बताना रह गया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब शक शासक शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को परास्त कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकारी की उपाधि धारण करता है। मतलब कि शकों का अंत करने वाला शकारी, जैसे शिकारी होता है ना, वैसे ही शकारी शकारी का उपाधि धारण करता है शकों के अंत के बाद। तो इतना कुछ याद रखना है, विक्रमादित्य इसने जो है शकों को परास्त किया था, उसके खुशी में 57-58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की। और जो मैंने बताया शक संवत, इसकी शुरुआत किसने की थी, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने, और एक लंबे समय तक शकों ने इसका प्रयोग किया, इसी कारण उसको जो है शक संवत कहा जाता है। ऐसा मत समझिए कि शक संवत की शुरुआत शक शासकों ने की थी, ऐसा नहीं है, कुषाण शासकों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्थियन, जिनको भारत में पहलव कहा गया है, कि पहलव लोगों ने किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया और भारत के कितने क्षेत्रों में उनका अधिकार रहा, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे कुषाण शासकों के विषय में, कि कुषाणों ने कहा किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया, भारत के कितने क्षेत्रों पर अधिकार किया। देखिए, जब शक दक्षिण में शासन कर रहे थे ना, मतलब कि ये जो दक्कन के क्षेत्र में महाराष्ट्र काठियावाड़, तो उस टाइम पे शक कुषाण जो है वो आ गए थे और उनका जो है शासन चल रहा था उधर समानांतर रूप से। तो ये सब कुछ देखेंगे आने वाले वीडियो में। उसके बाद ये सब चीज खत्म हो जाएगा तो फिर हम शुरू करेंगे गुप्त वंश का इतिहास। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।